नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे फर्टिलाइजर सीड्स पेस्टिसाइड शॉप बिजनेस के बारे में, यानी खाद बीज की दुकान के बिजनेस के बारे में, और जानेंगे कि आप खाद बीज की दुकान कैसे ओपन कर सकते हैं, इसके लिए आपके पास कितने इन्वेस्टमेंट होने चाहिए और कितना स्पेस होना चाहिए और आपको इसके लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। और दोस्तों, साथ ये भी जानेंगे कि यदि आप खाद बीज की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, या फिर आपको इसके लिए लाइसेंस कहाँ से मिलेगा, और इसके लिए आपको सस्ते रेट पर प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे, और आपको इसके अंदर कितने परसेंट तक प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है, या फिर इसके अंदर आपको प्रति महीना कितनी कमाई हो सकती है, यह सब बात जानेंगे दोस्तों वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे खाद बीज के बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों, यदि खाद बीज के बिजनेस की बात करें तो यह बिजनेस इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा चलने वाले बिजनेस में से एक है, क्योंकि दोस्तों इंडिया एक कृषि प्रधान देश है और इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में कृषि की जाती है। दोस्तों, इंडिया के अंदर आधी से ज्यादा जनसंख्या कृषि पर आधारित है और उनकी रोजी रोटी का साधन ही कृषि है। और दोस्तों, जितनी ज्यादा इंडिया के अंदर कृषि की जाती है उतनी ज्यादा इंडिया के अंदर खाद बीज की डिमांड रहती है, क्यों दोस्तों सभी अच्छी से अच्छी पैदावार कृषि के अंदर लेना चाहते हैं और इसके लिए अच्छे से अच्छे फर्टिलाइजर सीड्स और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए दोस्तों, आज फर्टिलाइजर सीड्स पेस्टिसाइड की इतनी ज़्यादा डिमांड है कि बहुत सी कंपनियां हैं, जैसे टाटा, UPL, बायर या फिर उत्तम किसान, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो करोड़ों रुपये का कारोबार कर रही है और बहुत बड़ा बिजनेस इन कंपनियों ने जमा रखा है। और दोस्तों, यह एक ऐसा बिजनेस है जो कभी कम नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में जनसंख्या बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा खाने की डिमांड बढ़ेगी, और खाने की डिमांड बढ़ने से कृषि की पैदावार बढ़ानी पड़ेगी। और दोस्तों, कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छे फर्टिलाइजर सीड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यदि कोई भी पर्सन यदि अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता है तो वह खाद बीज की दुकान शुरू कर सकता है और अच्छे खासे पैसे इस बिजनेस के अंदर कमा सकता है। सबसे पहले बात करें दोस्तों, यदि आप खाद बीज की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों, यदि खाद बीज की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, आपके पास एक शॉप होनी चाहिए, एक गोडाउन होना चाहिए, और आपके पास अपनी शॉप का GST नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। इसके साथ दोस्तों, आपके पास फर्टिलाइजर और सीड्स का लाइसेंस भी होना चाहिए। और दोस्तों, इसके साथ आपके पास एक व्हीकल होना चाहिए और एक या दो वर्कर होने चाहिए। इन सभी चीज़ों के साथ दोस्तों, आप खाद बीज की शॉप ओपन कर सकते हैं और अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करके अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, जी आप खाद बीज की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो दोस्तों जी, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस और आपकी शॉप और गोडाउन के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि दोस्तों जी आपके पास खुद की शॉप है और खुद का गोडाउन है तो आपको कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और यदि आप एक शॉप और गोडाउन किराए पर लेते हैं या फिर खरीदते हैं तो इसके अंदर आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और दूसरी बात दोस्तों बिजनेस की, तो दोस्तों जी आप खाद बीज स्प्रे यानी पेस्टिसाइड सभी का बिजनेस एक साथ करते हैं और बड़े लेवल पर बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और यदि आप केवल खाद और बीज का एक छोटा सा बिजनेस शुरू करते हैं छोटी सी शॉप के साथ तो आपको इसके अंदर कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। दोस्तों, इन दोनों चीज़ों के ऊपर ही आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगी कि आपको इस बिजनेस के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो दोस्तों जी, आप एक शॉप और गोडाउन किराए पर लेते हैं या फिर आपके पास खुद की शॉप है और खुद का गोडाउन है तो आपको शॉप के अंदर इंटीरियर सेट करवाना पड़ता है, जिसके लिए आपको लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ेगा, और इसके बाद आपको अपनी शॉप का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों के लिए दोस्तों आपके पास लगभग 5 से 7 लाख रुपए है तो आप खाद बीज की शॉप शुरू कर सकते हैं और अपना एक अच्छा खासा बिजनेस शुरू करके अच्छी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप बड़े लेवल पर बिजनेस स्टार्ट करते हैं यानी एक बड़ा सा शोरूम बनाकर और एग्रीकल्चर के सभी प्रोडक्ट रखते हैं और बड़ा बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको उसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर आप खाद बीज स्प्रे और दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रख सकते हैं और बड़े लेवल पर बिजनेस शुरू करके अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जी, आप खाद बीज की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास कितना स्पेस होना चाहिए, यानी आपके पास कितनी बड़ी शॉप होनी चाहिए या फिर कितना बड़ा गोडाउन होना चाहिए। तो दोस्तों जी, आप खाद बीज की शॉप शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 200 से 300 स्क्वायर फीट के अंदर एक शॉप होनी चाहिए जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट रखेंगे और कस्टमर को हैंडल करेंगे। और दोस्तों, आपके पास कम से कम 300 से 500 स्क्वायर फीट के अंदर एक गोडाउन होना चाहिए जहाँ पर आप अपना स्टॉक रखेंगे। दोनों चीज़ों को मिलाकर दोस्तों जी, आपके पास 500 से 800 स्क्वायर फीट ज़मीन है तो आप एक खाद बीज का अच्छा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अच्छी खासी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों जी, आप खाद बीज की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए या फिर आपको कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों जी, आप खाद बीज की शॉप ओपन करना चाहते हैं
तो आपके पास अपनी शॉप का जीएसटी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और लाइसेंस होना चाहिए। और दोस्तों लाइसेंस बनवाने के लिए आपके पास अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और दोस्तों यदि पर्सनल डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपनी आईडी प्रूफ के तौर पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड होना चाहिए। और आपके पास अपना एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ के तौर पर दोस्तों आपके पास अपना राशन कार्ड हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है। इसके साथ दोस्तों आपके पास अपना बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट की पासबुक होनी चाहिए। और आपके पास अपने फोटोग्राफ्स, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ दोस्तों आप अपनी शॉप का जीएसटी नंबर और लाइसेंस बनवा सकते हैं और एक अच्छा सा खाद बीज का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप खाद बीज की शॉप के लाइसेंस के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं या फिर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। दोस्तों हमने वेबसाइट के ऊपर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन से बताया है कि आपको कहाँ अप्लाई करना है, कितनी फीस आपकी कटेगी, सभी जानकारी दोस्तों हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर दी है। आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके लाइसेंस के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जी, आप फर्टिलाइजर, सीड या फिर पेस्टिसाइड की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपको सस्ते रेट पर प्रोडक्ट कहाँ से मिलेंगे? तो दोस्तों आपको बता दें, यदि आप फर्टिलाइजर, सीड्स या फिर पेस्टिसाइड की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो आपको उन कंपनियों से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा जो इनका प्रोडक्शन करती है। जैसे दोस्तों टाटा केमिकल्स हो गई, बायर, उत्तम, किसान या फिर UPL, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं जो पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर या फिर सीड्स का प्रोडक्शन करती है और अच्छे लेवल पर बिजनेस कर रही है। दोस्तों आप इन कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करके अपनी शॉप के अंदर माल सप्लाई करवा सकते हैं और खाद बीज की शॉप ओपन कर सकते हैं। दोस्तों हम आपको सभी कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करेंगे। वहां से दोस्तों आप कंपनी से कॉन्टैक्ट करके अपने एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में पता कर सकते हैं और अपनी शॉप के अंदर माल सप्लाई करवा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जी, आप खाद बीज की शॉप ओपन करना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको कितना परसेंट तक प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है या फिर आप प्रति महीना इस बिजनेस के अंदर कितनी कमाई कर सकते हैं? तो दोस्तों जी प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इस बिजनेस के अंदर आपको प्रोडक्ट के हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। जैसे दोस्तों आपको फर्टिलाइजर के ऊपर अलग प्रॉफिट मार्जिन मिलता है और सीड्स के ऊपर अलग प्रॉफिट मार्जिन मिलता है और पेस्टिसाइड के ऊपर भी अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलता है। दोस्तों इसके अंदर लगभग आपको 20-30% तक प्रॉफिट मार्जिन सभी प्रोडक्ट के ऊपर मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, सभी कंपनी के हिसाब से आपको प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर दिया जाएगा। जैसे दोस्तों बायर कंपनी अलग देगी, टाटा कंपनी अलग देगी या फिर उत्तम कंपनी अलग देगी, ऐसे सभी कंपनी अपना अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से देती है। तो दोस्तों यदि आप प्रॉफिट मार्जिन के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप उन कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिन कंपनी के प्रोडक्ट आप अपनी शॉप के अंदर सेल करेंगे। दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देगा कि किस प्रोडक्ट के ऊपर आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन दिया जाएगा या फिर कितना कमीशन आपको कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। सभी जानकारी दोस्तों आप डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं और इस बिजनेस के अंदर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप प्रति महीने इस बिजनेस के अंदर कमाई के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। दोस्तों हमने वेबसाइट के ऊपर आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि आपको इस बिजनेस के अंदर प्रति महीना कितनी कमाई हो सकती है या फिर कितना खर्चा किस चीज के ऊपर होगा। दोस्तों सभी जानकारी हमने वेबसाइट के ऊपर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन और एग्जाम्पल के थ्रू दी है। आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे आप खाद बीज की शॉप ओपन कर सकते हैं और अच्छी कमाई इस बिजनेस के अंदर कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस बिजनेस के बारे में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं या फिर आपको वीडियो के अंदर कुछ समझ नहीं आया तो दोस्तों आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। दोस्तों हमने वेबसाइट के ऊपर आपको सभी जानकारी दी है और दोस्तों हमने वेबसाइट के ऊपर बताया कि आप इस बिजनेस के लिए लोन कहाँ से ले सकते हैं, कौन सी स्कीम के थ्रू आपको सस्ते ब्याज पर लोन मिलेगा, सभी जानकारी दोस्तों हमने वेबसाइट के ऊपर दी है। आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन इस बिजनेस के बारे में ले सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपका इसके बारे में कोई भी सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और किसी बिजनेस, फ्रेंचाइजी या फिर योजना संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।